हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, अगर आप अमेज़ॉन के साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन लेकर आया है आपके लिए। तो अमेज़ॉन आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आया है जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब करके अमेज़ॉन के साथ अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अमेज़न की नई पहल के साथ आप हर घंटे 140 रुपये तक कमा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ई कॉमर्स के प्रमुख अमेज़न इंडिया ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है अमेज़ॉन फ्लेक्स, जिसके तहत वो देश में अपने डिलीवरी ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करेंगे। अमेज़ॉन फ्लेक्स नाम के इस प्रोग्राम के तहत व्यक्ति खुद साइन अप कर सकते हैं, अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं और अमेज़ॉन की ओर से पैकेज डिलीवरी करके प्रति घंटे 120 रुपये से 140 रुपये तक कमा सकते हैं। अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन फ्लेक्स को बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बाद में इसे और शहरों में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ये कार्यक्रम अमेज़ॉन फ्लेक्स ऐप के ज़रिए से काम करता है, लोगों के लिए पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी कमाई की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए हजारों अवसर को पैदा कर सकता है। अमेज़ॉन फ्लेक्स लेटेस्ट लॉजिस्टिक सिस्टम और प्रौद्योगिकी के साथ कंसर्ट में काम करता है। अमेज़ॉन ने कहा है कि हर डिलीवरी पार्टनर को एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा अमेज़ॉन फ्लेक्स में काम करने का एक बेनिफिट और भी है। अमेज़ॉन की तरफ से ये बताया गया है कि अमेज़ॉन के लिए डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी पार्टनर को एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। अमेज़ॉन अब दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड भी बन गया है। अमेज़ॉन ने गूगल और एप्पल को पीछे छोड़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेज़ॉन आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां एप्पल और गूगल को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती ब्रांड बन गया है। इस बात की जानकारी एक सर्वे में दी गई है। वैश्विक बाजार अनुसंधान एजेंसी कंतर ने अपनी 2019 की 100 ब्रांड्स रिपोर्ट में ये कहा है, अमेज़ॉन ब्रांड का मूल्य 52% चढ़कर $315 अरब हो गया है। अब अमेज़ॉन छलांग लगाकर तीसरे नंबर से पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं गूगल पिछड़कर पहले नंबर से तीसरे पायदान पर आ गया है और एप्पल अभी दूसरे पायदान पर ही टिका हुआ है। रिसर्च कंपनी TRA यानी कि ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी की हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक कहा गया कि भारत में ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। इस लिस्ट में गूगल दूसरे और फेसबुक तीसरे नंबर पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी अमेज़ॉन से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।